युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 26 फरवरी 2020 दिन बुधवार, फागुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि मध्यरात्रि 1:39 तक रहेगी और उसके पश्चात तृतीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2:07 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए अब जानते हैं कि मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। सेना में भर्ती जवानों को आज अपने पराक्रम को दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आपका आत्मबल विषम से विषम स्थिति में काम नहीं होगा और आप सभी हालातों का सामना सीमित साधनों के साथ भी कर लेंगे। आज आपके भाग्य का फायदा आपके ससुराल पक्ष के लोगों को भी होगा और यदि आप अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आज उनको धन लाभ का मौका प्राप्त हो सकता है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आपके मित्र आपकी हर संभव सहायता करेंगे और मुश्किल हालातों में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, परंतु लोग आज आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको चूना लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आज जरूरत से ज्यादा घमंड आपके लिए परेशानियों को न्योता दे सकता है जिससे आज आपके समाज में किरकिरी भी हो सकती है और लोग आपसे संबंध विच्छेद करना चाहेंगे। आज सोने की अंगूठी अपने हाथ में धारण करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मीन राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रूबी की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से छात्र माता मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सदैव अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आज माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का उपयोग करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग वादिनी सरस्वती मम जिवा अग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग वादिनी सरस्वती मम जिवा अग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। यदि आप इस मंत्र का उपयोग आज श्रद्धा पूर्वक करते हैं और सरस्वती माता को ध्यान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपने एग्जाम्स में हमेशा सफलता हासिल। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जरा जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना। अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारे वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।